प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति में हुई बातचीत। इम्यूनल मैंको ने हिंदी में किया ट्वीट, कहा हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए शुक्रिया। महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम जारी, महंत नरेंद्र गिरी की निकाली जाएगी शव यात्रा, दोपहर में दी जाएगी भू समाधि। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से मिला अवैध असलाह और मोटरसाइकिल। मुरैना में हुआ दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अमेरिका दौरे से पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट करके पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मैक्रो ने कहा कि हमारे साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। जानिए ट्वीट में उन्होंने और क्या क्या लिखा है। दरअसल मैक्रो ने ट्वीट किया, नमस्ते प्रिय साथी, प्रिय मित्र, हमारी साझेदारी की अहमियत को पुख्ता करने के लिए आपका शुक्रिया। भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक का सहयोग और साझा मूल्यों का क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, हम इस साझेदारी को आगे भी जारी रखेंगे। दरअसल इमैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैंने अफगानिस्तान की स्थिति पर मेरे दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात की, हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा की है, हम यूएनएससी सहित फ्रांस के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। तो पीएम मोदी का हिंदी में जताया शुक्रिया। महंत नरेंद्र गिरी के शव को आज पोस्टमार्टम के बाद बागम्बरी मठ ले जाया जाएगा, फिर नरेंद्र गिरी की शव यात्रा निकाली जाएगी। शव यात्रा पानी की टंकी तिराहा, आलोपी मंदिर तिराहा, गाय बछड़ा तिराहा, जीटी जवाहर, तिनकोनिया फोर्ट, किला संगम चौकी के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर तक ले जाई जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद 22 सितंबर को उनके भू समाधि में आने वाले लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शिक्षा विद्यालयों के बोर्ड के विद्यालयों और सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि 5 डॉक्टर्स की टीम महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम लगातार कर रही है, उसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। आज दोपहर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। 2 दिन पहले ही उनका जो शव है वो फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला था, जिसके बाद साधु संतों में खासा नाराजगी और शोक की लहर देखने के लिए मिल रही है। इसमें मुख्य 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। हालांकि जो उनका शिष्य है आनंद गिरी, वो लगातार अपने आरोपों पर बयानबाजी करता हुआ, बयान देता हुआ नजर आ रहा है। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, मेरी कोई गलती इसमें नहीं है। उसने कहा है कि हाँ, मेरा विवाद रहा था महंत जी से, गुरु जी से, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आएगी। लेकिन अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम लगातार जारी है, कुछ देर बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी। और बात सुसाइड नोट की जाए तो जो 7 पन्ने का सुसाइड नोट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो 3 लोग हैं जो मुख्य रूप हैं, आनंद गिरी और पागे तिवारी जो मंदिर में पुजारी थे और उनके बेटे, ये 3 लोग हैं जिनके नाम शामिल हैं। ऐसे में उन 3 पर जो शक की सुई है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। SIT का गठन हो गया है, SIT लगातार इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। तो अब से कुछ ही देर बाद उनका पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा, उसके बाद उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। शव यात्रा निकाले जाने के बाद उन्हें भू समाधि आज दी जाएगी।
वहीं गाजियाबाद के थाना क्षेत्र लोनी में पुलिस की तरफ से एक चेकिंग के दौरान बाइक जिस पर दो लड़के सवार थे संदिग्ध लगने पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस की तरफ से बाइक सवारों का पीछा किया गया तो बाइक सवार बदमाशों की तरफ से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम की ओर से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश का एक साथी मौका पाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। घायल बदमाश की पहचान दिलवरपुर इरशाद निवासी अशोक विहार लोनी के रूप में हुई है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी कहा जा सकता है कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक शातिर बदमाश को धर दबोचा है। शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि जो उसका साथी है वो मौके से भागने में कामयाब रहा है। तो बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। कई दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल पुलिस रात के समय गश्त कर रही थी, इसी दौरान दो बाइक पर युवक आ रहे थे, इन्हें रुकने का इशारा किया गया क्योंकि संदिग्ध नजर आ रहे थे। ऐसे में इन्होंने बाइक नहीं रोकी और पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। तुरंत उसे मौके से पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा है, जिसके लिए लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। वहीं मुरैना में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर पोरसा चौराहा पत्थर के पास तेज बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे, तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुरैना का एक पूरा मामला जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने से यहां तीन लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो मुरैना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की जान चली गई है। तीनों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज अभी सूचना मिली है कि थोड़ी देर पहले अम्बा में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और जो शासन स्तर से आरबीसी में जो सहायता राशि दी जाती है 4 लाख रुपये, वो अभी उनको शीघ्र मुहैया कराई जाएगी और उनके जो भी आवश्यक सहयोग होगा अन्य भी प्रशासनिक स्तर से किया जाएगा। वहीं सहारनपुर में मेयर संजीव वालिया ने प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। नगर निगम के सभागार में पत्रकार वार्ता में मेयर संजीव वालिया ने कहा कि 2 महीने के बाद सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएगा। महानगर में जो कार्य काफी सालों से लंबित चले आ रहे थे, बीजेपी सरकार में उन सबको पूरा करने का काम किया गया है। वहीं इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक राजीव कुंबर, बीजेपी अध्यक्ष राकेश जैन समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। तो सहारनपुर का ही पूरा मामला है, जहां पर तो संजीव वालिया ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। दरअसल यहां पर एक प्रेस वार्ता की गई थी, प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई गई हैं, इसके अलावा जो उनकी परेशानियां हैं वो भी सुनी गई है। दरअसल मेयर संजीव वालिया ने प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। नगर निगम के सभागार में पत्रकार वार्ता में मेयर संजीव वालिया ने कहा कि 2 महीने के बाद सहारनपुर स्मार्ट सिटी के रूप में सामने आएगा। महानगर में जो कार्य काफी सालों से लंबित चले आ रहे थे, बीजेपी सरकार में उन सबको पूरा करने का काम लगातार किया जा रहा है और आगे भी सरकार प्रयासरत रहेगी। वहीं इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक और बीजेपी अध्यक्ष राकेश जैन समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के सफलतम 4.5 साल पूरे होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी। उसी संदर्भ में हर विधानसभा में प्रदेश संगठन द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस रखी गई है। उसी क्रम में आज यहाँ सहारनपुर में एक प्रेस रखी गई, जिसमें आदरणीय हमारे नगर अध्यक्ष जी, मैं यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर हम अगली सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं और जो पूरे प्रदेश के संदर्भ में योगी जी ने कहा है, वही मैंने सहारनपुर के संदर्भ में, सहारनपुर में भी जो कमज़ोर व्यक्तियों के प्लॉट्स वगैरह पे कब्जा हुआ करते थे या सरकारी संपत्तियों पे जो कब्जे हुआ करते थे,
वो कब्जे छुड़वाने का काम हमने इस 4 साल में किया है। और आप देख सकते हैं नेहरू मार्केट में 6000 मीटर जो जगह थी जो बिल्कुल बाजार के बीचों बीच, उसे हमने कब्जा मुक्त कराया। और जो प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर कार्य हो रहा है वो सब आपके संज्ञान में ही। सहारनपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद अब भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह ने भी किसान महापंचायत का आह्वान कर दिया है। वो 3 अक्टूबर को महापंचायत करेंगे जिसमें 8 से 10 लाख किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये वास्तविक किसानों की महापंचायत होगी जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी और केवल किसानों के मूल मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी। इसे मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ या उप मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 5 सितंबर को भी मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें हजारों की संख्या में या ये कहें कि लाखों की संख्या में किसान मौजूद हुए थे। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान यहां पर मौजूद थे। इस दौरान लगातार किसानों के जो मुद्दे थे उन्हें बनाया गया। हालांकि कोई इसमें विकल्प नहीं तलाशा गया है लेकिन लगातार ये जरूर कहा जा रहा है कि ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। जो लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है वो यूं ही जारी रहेगा। तो ऐसे में अब भाक्यु भानु किसानों की महापंचायत करने जा रही है लेकिन उनका कहना है कि इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं होगी, कोई भी राजनीतिक दल या कोई नेता इसमें शामिल नहीं होगा और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ या डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो किसानों को लेकर महापंचायतों का दौर लगातार जारी है जहां एक तरफ किसान लगातार पिछले 10 से ज्यादा महीनों से आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों की महापंचायत लगातार हो रही है। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा जो जोर है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनावों से भी इसे लगातार जोड़ा जा रहा है। तो 8 से 10 लाख किसानों के पहुंचने का यहां दावा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इस महापंचायत में सिर्फ और सिर्फ वास्तविक किसानों के मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी। दिनेश शर्मा जी आएंगे, कौशल वो जो है केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी आएंगे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आएंगे। कितने ढेर मंत्री, उनमें से कोई ना कोई तो आएंगे। किसानों की कितनी संख्या आने की आशंका है आपके? किसानों की तो संख्या का कोई पता नहीं, अपार भंडार है भारतीय किसान यूनियन के महारथियों का और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का और भारतीय किसान यूनियन से संबंधित किसानों का अपार भंडार है और हमारे मोर्चे हैं। देखिए 3 अक्टूबर को जो हम लोग पंचायत रखते हैं उसका मकसद सिंपल सा है कि हम चाहते हैं कि किसान की समस्या जो जेन्युइन किसान है उनकी समस्याओं को सरकार का हाथ पहुँचा जाए, जिसके तहत हमने उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को आमंत्रित भी किया, केंद्र के मंत्रियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हम पे अगर विश्वास नहीं करते हो आके स्वयं देखें किसानों की समस्याएँ क्या है, किसान कैसे जूझ रहा है और किसानों की प्रॉब्लम को पूरी चीज़ों को समझा सके। ये सब चीज़ों के लिए हम पंचायत कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। कितनी संख्या आना अधिक हमारे हिसाब से 5 से 10 लाख हमारे हिसाब से, क्योंकि हम हर गांव हर शहर में पंचायत कर रहे हैं छोटी छोटी और सभी किसान भाइयों को आमंत्रित कर। कृषि कानूनों पर बात होगी पंचायत में? देखिए कृषि कानून एक चीज़ है, कानून बन गया है, कानून बन जाने के बाद वापस नहीं होता, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और हमसे लगता है गवर्नमेंट को किसानों को बुला के बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं किसान आयोग का गठन और किसानों का कर्जा माफ, वो हमारी मुख्य मांग है। तीसरा मुख्य मांग है गन्ना किसानों पे, गन्ना किसानों पे हम लोगों ने 5 रुपए का भी बढ़ोतरी हुई, हम चाहते हैं कम से कम पंजाब के किसानों की तरह 360 रुपए हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है ये जो महापंचायत होने जा रही है, ये 5 सितंबर को जो पंचायत हुई थी उससे कितनी अलग है? भूपेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो विपेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि एक और महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। भाक्य भानु किसानों की महापंचायत करने जा रही है जिसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो
महापंचायत है वो वास्तविक किसानों की महापंचायत होगी। ऐसे में सीधे सीधे जो महापंचायत 5 सितंबर को हुई थी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो वास्तविक किसानों की महापंचायत नहीं थी। और इस पूरी महापंचायत में दावा यह भी किया जा रहा है कि 8 से 10 लाख किसान शामिल होंगे, छोटे किसान भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ या फिर डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। तो भाग्य भानु किसानों की महापंचायत करने जा रही है। आपको बता दें किसानों का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब एक साल होने वाला है और किसान नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी भूपेश एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किसानों की महापंचायत होने जा रही है एक बार फिर से, लेकिन 5 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी उससे कितनी अलग हो सकती है महापंचायत? भूपेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो विपक्ष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधेंगे। फिलहाल ये जानकारी जहां भाक्यू भानु किसानों की महापंचायत की तैयारियां जोरों पर हैं। आने वाले समय में जल्द ही ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें करीब 8 से 10 लाख किसान शामिल होने का दावा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये जो किसान है वो वास्तविक किसान है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों के जो मूल मुद्दे हैं उनको इस महापंचायत में उठाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद अब भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह ने भी किसान महापंचायत का आह्वान कर दिया। वो 3 अक्टूबर को महापंचायत करेंगे जिसमें 8 से 10 लाख किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वास्तविक किसानों की महापंचायत होगी जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी और केवल किसानों के मूल मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी में स्थित मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाया गया है, सड़कों की साफ सफाई भी की जा रही है और डिवाइडर को भी रंगा गया है। भारी पुलिस बल फोर्स दादरी में तैनात है। दादरी में हाई अलर्ट भी घोषित कर जगह जगह जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स ने दादरी के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च भी किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील लगातार की जा रही है। तो नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दादरी में हाई अलर्ट घोषित है। योगी आदित्यनाथ का यहां आगमन होगा। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कानपुर देहात पुलिस ने जिले में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर लाखों रुपए के चोरी और लूटे गए आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने गैंग के सदस्यों के पास से 3 देसी तमंचे और कारतूस सहित लगभग 82,000 रुपए भी बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों ने भोगनीपुर और रूरा थाना क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दिया था। खास बात यह है कि ये सभी अभियुक्त अपना शौक पूरा करने के लिए घटनाओं को अंजाम देते थे। भोगनीपुर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम काफी दिनों से इनकी तलाश में जुटी थी। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। थाना भोगनीपुर क्षेत्र में दिनांक 13 की शाम को एक उरई के एक व्यापारी जो बाइक बेचने का काम करता, उसकी यमहा ब्रांड की स्कूटी जो है कुछ 3 अभियुक्तों ने लूट लिया था और उसको चोट भी पहुंचाई गई थी। इस क्रम में स्वाट टीम और थाना भोगनीपुर की टीम सीओ भोगनीपुर के नेतृत्व में लगाई गई थी। इस टीम ने अच्छा काम करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उसमें घटना में जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था उस बाइक को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2 अन्य अभियुक्त भी उनके अन्य साथी पकड़े गए हैं जिन्होंने अप्रैल में रूरा थाना क्षेत्र में एक सीआईएसएफ के जवान के घर में जो चोरी हुई थी उसका भी अनावरण किया है। काफ़ी मात्रा में असलहे 3 असलहे और काफ़ी मात्रा में जेवर बरामद हुए हैं। घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी उस पर उसको ये बताया है कि उसको बेच दिया था किसी को, अभी बाइक नहीं बरामद हो पाई है, वो भी शीघ्र ही हमारी टीम बरामद कर लेगी।
कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव में रहने वाले 70 साल के मुलायम सिंह की शादी न होने की वजह से वो अपने छोटे भाई सूबेदार के साथ ही गांव में रहते थे। मुलायम छोटे भाई के घर पर उनके परिवार के साथ रहा करते थे। मुलायम के मन में इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उसकी शादी न होने की वजह से उसका परिवार नहीं बसा। वो छोटे भाई सूबेदार के चार बेटे और बहुओं को ही अपना परिवार मानता था। मुलायम ने अपने हिस्से की पूरी जमीन चारों बहुओं के नाम कर दी, जिससे मुलायम के भतीजों को ये बात नागवार गुजरी और उन लोगों ने मौका देखकर उनकी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। छोटे भाई सूबेदार ने थाने में तहरीर देते हुए अपने भतीजे जितेंद्र रामविलास जोहान सिंह और रिंकू पर आरोप लगाया कि जब उनके बड़े भाई मुलायम सिंह घर से खाना खाने के बाद खेत से नलकूप पर गए तो तभी घात लगाए बैठे लोगों ने उनके साथ मारपीट करते हुए धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। मऊ में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी का आगमन हुआ, जिनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर फूलों की माला पहनाकर किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदीप तिवारी ने सरकार के हुए 4.5 साल को जुमला बताया। वहीं जब मीडिया ने मुख्तार अंसारी पर सवाल किया तो वो भड़क उठे और सरकार की जमकर आलोचना करने लगे। दिल लगी है जुमला पार्टी है तो ये तो मुख्तार सही है जुमला पार्टी है मुख्तार सही है भारतीय जनता पार्टी नंबर फैलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म हो चुका है तो मुख्तार सही है पार्टी सुने भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का काम जो नौजवान करने जा रहा है। बहराइच में बीजेपी के जिला कार्यालय पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए प्रदेश महामंत्री अमरपाल सिंह की तरफ से सैकड़ों पत्रकारों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में सभी जिलों में मनाया गया है। इसी उपलक्ष्य में बहराइच में बीजेपी के जिला कार्यालय पर बीजेपी पार्टी की ओर से पत्रकारों का सम्मान किया गया। तो बहराइच की तस्वीरें जहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर पत्रकारों का सम्मान यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपने हर प्रकार से वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। उसी प्रकार मीडिया का सम्मान बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहल है कि उत्तर प्रदेश आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार तैयारियां कर रही हैं उसी तैयारी क्रम में इसको भी देखा जा सकता है। लेकिन आज मीडिया बंधुओं का यहाँ पर सम्मान किया है, काफ़ी ये सम्मान की बात है। हम जानेंगे माननीय जी से। जी भाई साहब, ये कैसा प्रोग्राम था और क्या है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेक्टरों में हम सब कहीं पर ब्लड डोनेशन का, कहीं पर सम्मान समारोह का, कहीं पर स्वच्छता का, उसी निमित्त आज यहाँ पर पत्रकारों के सम्मान समारोह के बीच में आए। और क्या योजनाएं हैं आने वाले? भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की उपलब्धियाँ अभी हम सब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर और ग्राम चौपाल लगा करके जनता के बीच में अभी हम सब ने कार्यक्रम किया। 4.5 साल में समाज के बीच में हमने क्या काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर के समाज के हर क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। उस दृष्टि से आज इस विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन है प्रबुद्ध वर्ग के बीच में। हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर 2022 के चुनाव की दृष्टि से जनता के बीच में जाने का काम। बरेली बार एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र प्रताप ध्यानी अधिवक्ताओं के साथ प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिलने पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन देकर बताया कि 14 सितंबर की शाम को बिशारतगंज थाने के गांव अतछेड़ी निवासी अधिवक्ता संजय सिंह की उनके ही भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पास जीप से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसमें मुदित प्रताप सिंह, गुड्डू, राहुल, मयंक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। ज्ञापन में सभी अधिवक्ताओं ने आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो बरेली बार एसोसिएशन समेत तमाम अधिवक्ता संगठन संजय सिंह के परिजनों के साथ मिलकर कोई भी फैसला ले सकते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो खुद कोई कठोर फैसला कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।